सर काल आमच्या घरातील घड्याळ बंद पडायला लागल्या आहेत, नवापूर नंदुरबार. रेडिएशन देखिए, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देखिए, बढ़ गई होंगी. सर अगर इंटरनेट ब्लैकआउट हो जाएगा तो आपसे कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? पूरा ब्लैकआउट नहीं होगा, 8 से 10 दिन के लिए होगा, बाद में आएंगे ना. सर आपकी वजह से हम बचे हैं, धन्यवाद. सो लव यू सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू पुनिया जी. सर कॉलेजला जाऊ का? 2 महिना टेस्ट आहे. अरे जा ना बाबा, जा ना कॉलेजला, पेपर दे फक्त. एवढं की भूकंप आला तर ताबडतोब दार बघून ठेव, दार कुठे जर नाही भेटलं मौका तर टेबलाखाली घुसा. गुजरात आर यू रेडी? यस गुजरात आर यू रेडी? गुजरात मुंबई, मुंबई. सर क्या क्या क्यों हिलता है मेडिटेशन में? क्यों हिलता है, क्या हिलता है? जो जागेगा वही बचेगा. यस विजय सागर सर, धन्यवाद. किरण साहू जी धन्यवाद, सभी का धन्यवाद. आंदोलन करो, एनएसए कानून के लिए क्या करें, आंदोलन करो, आंदोलन में आओ, आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, आओ उसमें. सुमन घोष जी धन्यवाद. 5G मोबाइल बाय करें क्या, या 5G 4G ही रखे? राहुल श्रीवास्तव जी लीजिए ना, आपको 3+2G लेना है लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. सिर्फ श्री चिरुस्लम टेम्पल मध्ये हिंदुइझमचं नाही आता है क्वेश्चन. दिशांत सावंत जी ख्रिस्लाम टेम्पल मध्ये हिंदुइझमचं टेम्पल नाही आहे, नाही आहे, वो हिंदू और मुस्लिम का है. सर स्लीप में अर्थक्वेक का साइड इफेक्ट है? सर स्लीप में अर्थक्वेक क्या साइड इफेक्ट? अरे भाई सोए हुए ऊपर से गिर गया छत, मर जाओगे, क्या साइड इफेक्ट? डॉन टीके भी लेना चाहिए क्या, सफेद मुसड़ी काली मुसड़ी? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ले सकते, इम्यूनिटी बढ़ेगी आपकी. च्यवनप्राश खाए कि नहीं खाए? खाइए ना, अच्छा है ना, साइड इफेक्ट थोड़ी है. जैसे यूरोप मध्ये भावाला कामाला जाऊ देऊ का? आ हा 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 भाई, हा हालत देखो यूरोप की, यूरोप की हालत देखो, तूफान चल रहे, बरसातें हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है 3-3 मीटर का. मैं कह रहा हूँ जो इंडिया के बाहर है वो इंडिया आ जाए, इंडिया आ जाए, क्योंकि पूरे देश की हालत बहुत खराब होने वाली है. भारत तुम थोड़ा सेफ है. ऐसे लगता है अर्थक्वेक आ रहा है, हमेशा पर अर्थक्वेक होते नहीं है. भाई साहब मौत और कस्टमर धंधे की बात है, मौत और कस्टमर कभी पूछ के नहीं आता है. तो वैसे ही ये जो आएगी पूछ के नहीं आएगी, सुनामी पूछ के नहीं आएगी. डॉक्टर साहब आपको सल्यूट है हरियाणा वालों की तरफ से, हरियाणा वालों को मेरा राम राम. हेड क्यों हिलता है मेडिटेशन में? इसका मतलब आप स्टेबल नहीं है, आप मेंटली स्टेबल नहीं है, आप मेंटली स्टेबल हो जाइए. क्योंकि जो एनर्जी आ रही है उस एनर्जी को आप बियर नहीं कर पा रहे हो. आपको क्या लगता है मेडिटेशन में बैठ गए ऊपर वाला आ जाएगा? मंगल जी ने कल्कि के नाम कोड भी में बताया है, वो ही जाने, ये वो ही जाने नाम, नाम जो है वो सब चोजन को पता है, सिर्फ बता नहीं सकते. सर जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, अल्लाह अकबर, सत श्री अकाल, जय भीम. मुझे कोई फर्क नहीं गिरता है, आप कितना भी आप कहकर कुछ डालोगे, मेरे लिए सभी सेम है. B16C15 नेम है, कोड नेम. मैं बता नहीं सकता हूँ भाई साहब, मैं बता नहीं सकता हूँ यार. ये दोनों क्यों बता रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. बताया गया है कि नहीं बता रहे, क्यों बता रहे हैं? और राकेश शर्मा जी उधर डेढ़ दे रहे हैं, ये इधर नाम दे रहे, क्यों बता रहे हैं? नहीं बताना है. नर नारायण है, कई नाम है.
टुडेज रीडिंग में टुडे रीडिंग दिखाई थी, आते ही दिखाई थी शैलेश पटेल जी, वो 1.15 जा रही थी, फिर भी आपने पूछा है तो एक बार देता हूं मैं दिखा के। हाँ वन पॉइंट 26 जा रही है ये। एक्सट्रीम मुझे फील हो रही है, मुझे लिटरली फील हो रही है। तो सोचो जिन्होंने किया है, जब उनका जी ऑक्साइड और वो मर्ज होगा तो ये जो ग्राफ है फ्लैट, धन्यवाद सभी को जो जागे हैं, जो बचे हैं, जो बचना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, ट्यून अप रहिए। हर जगह एक ही रीडिंग नहीं रहती, हर जगह अलग अलग होती है। मेरे यहाँ पे एक ही टावर है, अगर यहाँ पे और दो चार टावर रहते तो रीडिंग और हाई जाती थी।